हेलो दोस्तों, मैं हूं सैफ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल तुड़मताल टेक में। दोस्तों, आज का वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वीडियो को सर्च लिस्ट में कैसे ले जा सकते हो। यदि अगर कोई वीडियो कुछ सर्च करे कोई, तो आपका उसमें वीडियो सर्च लिस्ट में कैसे आए, इसको मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरा वीडियो देखो तो मैंने एक वीडियो छोड़ा है कि मैं अपने वीडियो को कैसे शूट करता हूं। तो आप देख सकते हो कुछ ही समय में बस 3 व्यूज के अंदर मेरा जो वीडियो है वो सर्च लिस्ट में आने लगा। अगर मैं सर्च करूं या आप सर्च करो कि हाउ आई शूट माय वीडियो, तो आप मेरा ये वीडियो देखोगे जो 3 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। ये देख सकते हो आप, 1, 2 और ये तीसरा नंबर पे ये जो मेरा वीडियो है वो ट्रेंड कर रहा है, यानी सर्च लिस्ट पे आ रहा है। तो ये आप कैसे कर सकते हो कि आपका वीडियो भी कम भी व्यूज हो तो आपके वीडियो सर्च लिस्ट में कैसे आए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके वीडियो को सर्च में लाने के लिए आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि आप अपने जो भी आप कंटेंट बना रहे हो या वीडियो बना रहे हो, तो उसको आप पहले सर्च करो कि आप किस टॉपिक पे कंटेंट बना रहे हो। ऐसा ना हो कि आप जिस टॉपिक पे कंटेंट बना रहे हो वो टॉपिक यूट्यूब पे सर्च ही ना होता हो या कोई सर्च ही नहीं करता हो। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई वीडियो ना कभी सर्च करेगा ना आपका वीडियो कभी सामने आएगा। तो आप हमेशा सर्चेबल टॉपिक पे कंटेंट बनाओ जिससे आपका जो वीडियो है वो सर्च में आने के चांसेस बढ़ जाए। जब आप टॉपिक को रिसर्च कर लोगे, जब आप उस पर कॉन्टेंट बना लोगे, तो दूसरा काम ये है कि आपको उसको अपलोड कैसे करना है। बहुत से लोग अपलोड करने में गलती करते हैं जिसके वजह से उनका जो वीडियो है वो सर्च लिस्ट में कभी आता ही नहीं है। तो वीडियो को अपलोड करते समय आपको अपने वीडियो के टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन को एक जैसा रखना होगा। एक जैसा का मतलब कि जब भी आप अपने वीडियोस को बनाओगे, जैसे आपकी मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो मेरे वीडियो के जो थंबनेल है उसमें भी लिखा हुआ है कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, और आप नीचे में उसका टाइटल भी दे सकते हो कि हाउ आई शूट माय वीडियो, मैंने ये लिखा। और आप डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो मैंने वही लिखा है, हाउ आई शूट माय वीडियो। और आप यूट्यूब पर सर्च भी करोगे हाउ आई शूट माय वीडियो, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जब आप ये 3 चीज करते हो, अपने वीडियो बनाने के बाद अपना टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन एक जैसा रखते हो, इससे वीडियो का बहुत ही अच्छा SEO हो जाता है। SEO का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में आने की चांसेस काफी हद तक बढ़ जाती है। जब आप थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक जैसा रखते हो तो यूट्यूब को ये पता चलता है कि आपका वीडियो किस टॉपिक पे है और आप इसने वीडियो में आप क्या बताए हो। इससे क्या करता है, यूट्यूब आपके वीडियो को सही ऑडियंस के पास भेज पाता है क्योंकि वो समझ पाता है कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जब भी उस टॉपिक को कोई सर्च करता है तो यूट्यूब आपके वीडियो को उसके सामने रिकमेंड जरूर करता है। और इसमें अगर आप टैग्स को भी यूज करते हो अपने वीडियो से रिलेटेड, तो ये और भी अच्छा, इससे और यूट्यूब को इजीली होता है आपके वीडियो को समझने में और सही ऑडियंस तक पहुंचाने में। तो इन तरीकों को यूज करके आप अपने वीडियो को सर्च लिस्ट में ला सकते हो। ये तो आज मैंने वीडियो जो है शॉर्ट टर्म में, यानी सिंपली आराम से आपको समझा दी, ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए, आपको डिटेल में समझना है कि आपको कैसे करना है, तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, मैं इसका पूरा एक डिटेल वीडियो एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूट्यूब टेक एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल तुड़मताल टेक को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।